देश भर में सोमवार से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हुआ। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बच्चों के बचाव के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई, ताकि संक्रमण के खिलाफ उन्हें भी सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसी के तहत शहर में भी प्रशासन 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर तैयार है। शहर में कुल 16 जगहों पर बच्चों का वैक्सीनेशन होने की जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी। कोरोना के खिलाफ सोमवार से देश में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। देश के 15 से 18 साल के करीब 7,50,00,000 किशोरों को आज से कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। इस उम्र के लोगों के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। शहर में प्रशासन 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरह सजग है। वहीं शहर में कुल 16 जगहों पर बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिनमें मनपा के सेंटर, निजी अस्पतालों के केंद्र और कुछ स्कूलों का समावेश है। ऐसी जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि बच्चे 28 दिन के बाद भी वैक्सीन ले सकते हैं, उसका नियोजन भी किया गया है। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों का वैक्सीनेशन हो, इस उद्देश्य से शिक्षा अधिकारी से बात कर नियोजन किया जाएगा। वहीं उन्होंने 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए भी अपील की। आज से 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को कोरोना के वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। उसी श्रृंखला के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका ने आज अपने करीब करीब 15-16 सेंटर पर इस वैक्सीन की शुरुआत की है। इसमें कुछ महानगर पालिका के केंद्र हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, कुछ विद्यालयों में भी हमने वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के समस्त विद्यार्थियों को वैक्सीन मिल सके, इसलिए कोवैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। और इसके बाद 28 दिन के बाद भी बच्चे अपना दूसरा डोज भी ले सकेंगे, इस प्रकार का नियोजन है। मैं महानगर पालिका के व्यवस्था में जुड़े हुए सभी कर्मचारियों को, जिन्होंने लगातार अपनी मेहनत से, अपनी मशक्कत से, अपने समय से, अपने श्रम से इस शहर में 99% से ज़्यादा फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन कंप्लीट किया है सीनियर के लिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में यह भी 100% 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग का हम लोग वैक्सीनेशन कर सके। और सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये वैक्सीनेशन आपके लिए है, इसका लाभ आपको लेना है। आप जल्द से जल्द महानगर पालिका द्वारा निर्धारित किए गए वैक्सीनेशन सेंटर पे आइए। सुंदर व्यवस्था है, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तुरंत वैक्सीन लेकर के आप अपने घर जाइए और अपने स्वास्थ्य की रक्षा की दृष्टि से अपने कदम बढ़ाएँ। इस अवसर पर जब बच्चों ने BCN से बात की, तब उन्होंने खुशी जताई कि उनका वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, जिसके चलते उन्हें स्कूल या कॉलेज जाने में आसानी होगी। वहीं उन्होंने अपने उम्र के लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। ये वैक्सीनेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये कॉलेज वगैरह जाने के लिए ना थोड़ा डर वगैरह नहीं रहेगा, और ये फ्रीली हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, ऐसा इन्फेक्शन होने वगैरह का ऐसा चांसेस वगैरह नहीं रहेगा। मेरा नाम साहिल चौधरी है, मेरी 17 उम्र है। हम अभी कम से कम 2-2.5 साल से वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे थे, पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। अभी वैक्सीन उपलब्ध है। मैं सभी विद्यार्थियों को सूचित करना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन शुरू करें, वैक्सीनेशन ले और मुक्त तरीके से विद्यालय स्कूल जाए। सभी से सूचित करता हूँ कि अच्छी तरह से अनुशासन का पालन करें, हैंड सैनिटाइजर मास्क का उपयोग करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप खुलेआम घूमें, बराबर अनुशासन का पालन करें। बस आपसे यही सूचित करना चाहता हूँ, धन्यवाद। बता दें कि रविवार शाम 7:50 तक 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन के लिए 6,35,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इनकी संख्या सुबह तक 8,00,000 से ज्यादा हो गई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।